अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन यू एक्सेल। आप लोगों को इससे पहले भी वीडियो शेयर की गई है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि नेफटेक का पोर्टल जो आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं वो किस तरह से फिल किया जा रहा है। बट वो ये रहा है कि मिस्टेक्स स्टूडेंट्स फिर भी कर रहेंगे कि क्वालिफिकेशन के पैरा में मिस्टेक्स आ रही होंगी। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक वीडियो पहले शेयर की गई थी, पहले उसको फॉलो कर लें। और इन शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप लोगों ने क्वालिफिकेशन में क्या करना है। क्वालिफिकेशन पे जब आप आएंगे तो इसमें आप सपोज अगर आप बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट कम्प्लीट अभी नहीं हुई भी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि FA FSC लिख रहे हैं। तो FA FSC नहीं लिखा जाएगा बल्कि बैचलर्स डिग्री ही लिखी जाएगी। उसके बाद अगर आप कराची यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं सपोज, तो आप वहां पे फिल कर दीजिए कराची यूनिवर्सिटी। परसेंटेज आप डाल दें इस पे 65। इसमें आप परसेंटेज डालेंगे जो आपके लास्ट सेमेस्टर की जो भी परसेंटेज होगी वो आप डाल देंगे। उसके बाद इज दिस योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ऑब्वियसली आपकी जो अभी ये डिग्री होगी बैचलर्स की फिलहाल करंटली वो हाईएस्ट होगी, तो इसको आप टिक करेंगे। जैसे ही आप इसको टिक करेंगे कि आपके पास इमेज खुल जाएगा जहाँ पे आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री की क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है, जो कि बैचलर्स की नहीं होगी बल्कि ये वो डिग्री होगी आपकी जो आपका जो भी सेमेस्टर का रिजल्ट आया हुआ है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे, क्योंकि अगर आप लोग CS के स्टूडेंट्स हैं या IT के हैं या स्टैट्स के हैं MIS के हैं, इनमें से किसी भी कोर्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने यहाँ टिक करना है। टिक करने के बाद स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। सपोज अगर आप ऊपर से अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ कंप्यूटर साइंस आ गया। डिग्री कंप्यूटेशन में अगर कंप्लीटेड है तो कंप्लीट आएगा, इन प्रोग्रेस है तो इन प्रोग्रेस कर दें। इन प्रोग्रेस में करने के बाद जो भी सेमेस्टर आपका चल रहा है वो सेमेस्टर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके साथ जब आप ये मेंशन करेंगे उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि ये सब चीजें आप लोग कंप्लीट करें। अगर ये आपकी चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तो आपका फॉर्म रिजेक्टेड में चला जाएगा। इसीलिए बार बार वीडियो दिखाई जा रही है कि इसको देख के फिर फिल करें फॉर्म, और अगर कोई इशू आ रहा हो तो उस वक्त आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।